आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मौजूदा रबी सत्र में भारत का सरसों का उत्पादन अधिक रकबे में बुवाई के कारण रिकॉर्ड 120 लाख टन तक पहुंच सकता है। तेल उद्योग के प्रमुख निकाय सी ने यह अनुमान जताया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सी ने ये मांग की है कि सरकार को सरसों और उसके उत्पादों के वायदा कारोबार को फिर से शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। व्यापार अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 जुलाई जून में सरसों का उत्पादन लगभग 86 से 87 लाख टन रहा। हालांकि सरकार ने 101 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया था। सी के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने अपने सदस्यों को लिखे एक पत्र में कहा है कि हालांकि काफी चर्चा और विचार विमर्श किए जाने वाले राष्ट्रीय तिलहन मिशन पर अभी भी काम शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन रबी रेप सीड सरसों के तहत खेती के रकबे में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। सामान्य तौर पर सरसों रेप सीड के खेती के रकबे का पिछले 5 वर्षों का औसत 61.5 लाख हेक्टेयर है, लेकिन इसके मुकाबले इस बार 13 जनवरी को खेती का रकबा 90.5 लाख हेक्टेयर पर बताया गया है। चालू रबी मौसम की बुवाई अवधि के दौरान अधिक कीमत और अनुकूल मौसम के कारण गेहूं के बजाय सरसों खेती की ओर किसानों का जाना हुआ है। अतुल चतुर्वेदी का कहना है कि अगर चालू वर्ष के दौरान सरसों का उत्पादन 120 लाख टन के जादुई आंकड़े को छू जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरसों और इसके उत्पादों में वायदा कारोबार को फिर से शुरू करने पर जोर दिया है। अक्टूबर 2021 में सेबी ने सरसों दाना सहित कई कृषि जिन्सों में विभिन्न वायदा और विकल्प व्यापार को इस उम्मीद के साथ निलंबित कर दिया था कि यह कीमतों को नियंत्रित करेगा और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाएगा। अतुल चतुर्वेदी का कहना है कि लेकिन पिछले 3 महीनों में कीमतों में कमी नहीं आई है और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए वायदा कारोबार को स्थगित करने का कोई असर नहीं पड़ा है और इससे मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि सरसों के वायदा अनुबंधों को स्थगित करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। सी अध्यक्ष का कहना है, चूंकि नई सरसों की फसल मार्च की शुरुआत में आएगी, अतः हमने सरकार और सेबी से सरसों के वायदा अनुबंध को निलंबित करने के पहले से फैसले पर फिर से विचार करने और इसे जल्द से जल्द फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है, ताकि नए सत्र में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इससे पहले सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड COOIT के अध्यक्ष बाबूलाल दाता ने भी अनुमान लगाया था कि फसल वर्ष 2021-22 के रबी सत्र के दौरान सरसों का उत्पादन रिकॉर्ड 100 से 110 लाख टन तक बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।